closed for maintenance. After 7 days it will open, तो उसके बाद हम आएंगे. ऐसे मौके पे Google is my best friend. मैप्स पे दो मस्जिदें मिली तो रवाना हो गए उस जानिब. ये मस्जिद कायरो की मशहूर मस्जिदों में से एक है. एक रिवायत के मुताबिक यहाँ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो का सर मुबारक दफनाया गया. लो जी, इधर भी वीडियो बनाना मना. तो फिर हम निकल गए दूसरी मस्जिद की तरफ. यार इस मस्जिद की वाइब्स बेहतरीन. ना कोई रोकने टोकने के लिए, खूब दिल खोल के मैंने पिक्चर्स ली. हम आए थे यहाँ पे, खाना शाना खा लिया. मैं भूल गया कि मैंने ब्लॉग भी करना था, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है. अब्बा हजूर को मैंने घर में वापस छोड़ दिया और मैं वापस बाहर निकल आया हूँ, क्योंकि दिन तो है मेरे पास, लेकिन फिर भी जितना हो सके देखना चाहिए इस जगह को. तो आई एम ऑन द रोड अगेन गोइंग टू गुरबा. यार इधर के ट्रैफिक का सीन जो है ना, वो बहुत बैड है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ. और दूसरा ये है कि गाड़ियाँ भी जो है ना, सब पागलों की तरह चला रही हैं. शुक्र है ऊबर वाले को उर्दू नहीं आती, वरना इसको मुझे मक्का मारा था ऊबर. यार मतलब मैंने फिर ब्लॉग नहीं बनाया. इतनी खूबसूरत जगह है कि यार मैं भूल जाता हूँ कि मैंने ब्लॉग भी करना होता. मैं तो सिर्फ पिक्चर्स लेना स्टार्ट कर रहा था. चलो ट्राई करते हैं, अभी हैं कुछ दिन, होपफुली ब्लॉगिंग स्टार्ट हो जाएगी. टुडेज़ डेस्टिनेशन इज़ सिटाडेल एंड मोहम्मद अली मॉस्क. ऊबर आ रही है नीचे और लिफ्ट ख़राब है, तो हम रोज़ सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं और ऊपर आते हैं. आवर अपार्टमेंट इज़ इन 7th फ्लोर. सही फिट किस्म की हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है, लेकिन थक भी बहुत जाते हैं. सो रेप्लिका ऑफ तुर्की में जो ब्लू मॉस्क है, और इट्स सुपर, मतलब बहुत बहुत खूबसूरत है. आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट. पिक्चर्स अगर लेने में मैं आऊँ तो मैं पिक्चर्स लेता रहूँ, लेकिन एक ना एक चीज़ और निकलती रहेगी. सैडली आई डोंट हैव दैट मच टाइम टू टेक पिक्चर्स बिकॉज मेरे साथ पेरेंट्स भी हैं. अमेजिंग एक्सपीरियंस सो फार. कायरो इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. सम बी फेयरली इट्स गुड, बट जब जिस दिन मैं आया था तब उस दिन थोड़ी सी ठंड थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं है. सो दिस इज़ कायरो. फुल हेजी चल रहा है यहाँ पर भाई सीन. सिटाडेल टूर वाज रियली अमेजिंग. द प्लेस वाज रियली लिट. बट एक प्रॉब्लम हुई कि उन्होंने ना मुझे माइक्रोफोन लेकर जाने दिया और ना ही गोरिल्ला पॉड्स. सो दैट वाज अ प्रॉब्लम. थैंक यू. ओके, अल्लाह हाफिज़. मैं मेट्रो स्टेशन सिर्फ देखने के लिए निकला था कि मैं अगर स्टेशन मैं चेंज करूँगा तो कहाँ पे जाऊँगा ये वो. तो मैं जैसे ही बाहर निकला तो डायरेक्ट दरिया नील के सामने. उधर से मैंने कहा यार चलो थोड़ी वॉक करते हैं और पिछले स्टेशन पे चलते हैं. पिछले स्टेशन पे आ रहा था तो वहाँ पे मुझे बंदे मिल गए.
तो उनसे मैंने पूछा कि यार ये डाउन टाउन कौन सी जगह है, मैंने वो जगह देखनी है. तो उन्होंने कहा कि यार तुम डाउन टाउन में ही हो. आई वॉज़ लाइक वॉट. तो थोड़ा सा ही आगे गए और जंक्शन पर पहुँचे तो वही जगह थी जो मैं ढूंढ रहा था इंटरनेट के ऊपर भी कि यार ये कौन सी जगह है. यहाँ की बिल्डिंग्स जो है ना, वो आर्किटेक्चर इज़ अमेजिंग. भी रात में इतना वैसे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सुबह के वक्त इसके जो होंगे ना सीन्स ही डिफरेंट किस्म के होंगे. तो यार फिर सुबह के वक्त भी आएंगे यहाँ पे. सी यू टिल देन, ओके बाय. अभी मुझे यहाँ पे एक बंदे मिले और बहुत इंटरेस्टिंग टाइप की इन्होंने बात की है. Old Zajib Sanzila, Nawaz Sharif.